और वो थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है और ये दोनों ऑर्गन पाइप जो है वो किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेंस में है तो उस कंडीशन में अपने से रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है दोनों ऑर्गन पाइप का तो जैसा कि अपन देख सकते हैं पहला ऑर्गन पाइप के केस में एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है और वो फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन की वजह से थ्री अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपन वी मानते हैं तो हो जाएगा थ्री इंटू वी बाई फोर एल सी वेर एल सी इज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप एल सी इज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इनफैक्ट क्लोज ऑर्गन पाइप ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ है और ये हो जाएगा अपना क्लोज ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है और ये दिया हुआ है अपने को एक ओपन ऑर्गन पाइप है उससे वो जो कि थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है तो ओपन ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ओवरटोन के वजह से 4 इंटू v, वी अपना स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हो गया और बाई टू एल सी टू एल ओ ओपन वेर एल ओ इज द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों सेम ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेंस में है तो ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी होगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क तो यहां से वी और वी अपना कैंसिल आउट हो गया और अपने को जो रेशियो आया एल सी बाई एल नॉट का मतलब लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बाय लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ये आ गया थ्री बाई एट तो बी ऑप्शन इस केस में अपना आंसर हो गया ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर